तो विपक्ष का किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि अगर हम किसानों की आवाज़ संसद में नहीं उठाएंगे तो क्या नाइजीरिया और दूसरे देशों की संसद में उठाएंगे। सरकार किसानों की आवाज़ सुने, तीनों कानून रद्द करे। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। किसान आंदोलन को लेकर संसद में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। दीपेंद्र हुड्डा, आपसे जानेंगे, आपने भी नोटिस दिया था। आज संसद में प्रताप सिंह बाजवा जी और हमने विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के अंदर नोटिस दिया। लगातार तीसरे दिन बाजवा साहब और हमने नोटिस दिया कि कार्यस्थगन प्रस्ताव 267 के तहत किसान के मुद्दे पर तुरंत चर्चा हो, मगर दुर्भाग्य सरकार की राजहट का और इनके अहंकार असंवेदनशीलता का कि आज भी उस नोटिस को खारिज किया गया, जिसको लेकर विपक्ष और सरकार में गतिरोध हुआ और संसद की कार्रवाई स्थगित हुई। प्रताप बाजवा जी, जिस तरीके से आंदोलनकारी किसानों उनको जंतर मंतर पर जाने का मौका मिला है, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप इसका असर देखते हैं आने वाले दिनों में? देखो, एक चीज पक्की, हिंदुस्तान का, दो मिनट भाई, हिंदुस्तान का सारा किसान और मजदूर इकट्ठा है, ये किसान और जवान इकट्ठा है। मैं इसी गवर्नमेंट को, जो मोदी साहब की सरकार रखा है, उनको एक दफा फिर निवेदन करना चाहूंगा, भाई किसानों की अन्नदाता की बात मानो। अगर आप हट्टी हो तो किसान आपसे ज्यादा हट्टी, 400 से ज्यादा लोगों ने शहादत दे दी है वहां बॉर्डर्स पर बैठे हुए। ये मत कीजिए, ये काले कानून वापस लीजिए, नए कानून 2 साल के बाद ले आना, स्टेक होल्डर से बात कीजिए। अगर ये करेंगे तो फिर ही गवर्नमेंट की जान छूट पाएगी, नहीं तो पार्लियामेंट भी नहीं चलेगी और बाहर लोग ने इनको चलने दिया। और हरियाणा में अगर देखें इसका असर क्या देखते हैं, और खासतौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान भी आया है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि जब तक, जैसे बाजवा साहब ने भी बताई आपको बात, अगर हमारे भारत देश के किसान की आवाज़ को भारत देश की संसद में उठाने का टाइम नहीं मिलेगा तो क्या नाइजीरिया या जिम्बाब्वे की संसद में जाना पड़ेगा? सरकार इस बात को समझे, ये संसद क्यों बनी है, हमारे नागरिक की आवाज़ उठाने के लिए बनी है। क्या भारत का किसान भारत का नागरिक नहीं, सरकार आत्ममंथन करे। और ये प्ले कार्ड भी आप देख सकते हैं, लेकर आए थे ये सांसद, और ये मांग करते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया संसद भवन में, परिसर में भी प्रदर्शन हुआ है, राहुल गांधी शामिल रहे और इसके बाद यहाँ पर वो हमला बोल रहे थे। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि वार्ता के लिए तैयार हैं, वो जो आपत्ति है वो बिंदु बताए, तो वहीं विपक्ष संसद के अंदर और बाहर आक्रामक तेवरों में है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।